हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, गोइंग न्यूक्लियर तो ऑब्वियसली ये इंडिया से होगा और कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें बात हो रही होगी। फॉर अ ग्रोइंग इकॉनमी लाइक इंडिया, लेवरेजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्रूशियल एड्रेस टू क्लाइमेट चेंज चैलेंज एंड अटेन इट्स नेट जीरो गोल। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंडियाज इकॉनमी इज ग्रोइंग रैपिडली। इट इज एक्सपेक्टेड टू सरपास जर्मनी एंड जापान एंड मूव अप फ्रॉम द नंबर 5 टू नंबर 3 पोजिशन बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड। डेकेड मतलब 2030 से पहले। इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिगर्स डिमांड फॉर द एनर्जी। वन वुड दस एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन आवर प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन विच इज ऑलरेडी द थर्ड हाइएस्ट ग्लोबली। मोस्ट ऑफ इट इट इज बेस्ड ऑन फॉसल फ्यूल। तो ये क्लीन एनर्जी हम अभी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे वो क्लीन एनर्जी अभी तो नहीं है, और वर्ल्ड की आप देखिए ये थर्ड हाईएस्ट है ऑलरेडी ग्लोबली। क्या अपनी एनर्जी कंजम्पशन नीड। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग व्हिच हैज नाउ बिकेम एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर द ह्यूमैनिटी। डीप एंड इमीडिएट एमिशन कट्स लिंक टू नेट जीरो हैव बिकम अनअवॉइडेबल। देयर इज नाउ अ ग्लोबल कंसेंसस टू रीच दिस गोल बिफोर 2045 टू 2070 टाइम फ्रेम। ट्रांजिशन टू नेट जीरो इन्वॉल्व मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनर्जी सिस्टम एट सप्लाई एंड डिमांड एंड्स एंड लार्ज कॉस्ट। फॉर अ लार्ज एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द चैलेंज ऑफ रीचिंग नेट जीरो इज मच बिगर। क्योंकि हम बड़े भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं। आर डेवलपमेंट रिक्वायर मैनीफोल्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा एनर्जी यूज इवन वेन वी ट्रांजिशन टू नेट जीरो ग्लोबल हाउस गैस एमिशन। आर इनएबिलिटी टू मीट दिस ड्यूअल चैलेंज वुड मीन देयर कॉम्प्रोमाइज ऑन डेवलप और डेवलपमेंट और फेलिंग टू रियलाइज द नेट जीरो ट्रांजिशन नेट जीरो टारगेट टाइम फ्रेम और बोथ। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है इंडिया की जो डेमोग्राफी है अभी। वी ऑल एस्पायर टू रीच ह्यूमन डेवलप इंडेक्स कंपेरेबल टू एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर दिस एज पर प्रिवेलिंग correlation we need a minimum of 2400 kilogram oil equivalent energy consumption per capita this year. This threshold could improve to around 1400 ये आपका KGOE आपका ये हो गया किलोग्राम ऑयल इक्विवेलेंट 1400 किलोग्राम ऑयल इक्विवेलेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इम्प्रूव इन द एनर्जी यूज एफिशिएंसी। इवन आफ्टर कंसीडरिंग दिस The total clean energy equipments to support developed India would work out around 25,000 to 30,000. आप देखिए ये भी इतना हम लोग सफिशियंट यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब कितना भी हम अपना बेस्ट प्रैक्टिस कर ले, डेवलप्ड कंट्रीज के रेस में आने लायक हम उतना यूज नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दिस इज मोर देन द फोर टाइम्स आवर प्रेजेंट एनर्जी कंजम्पशन। वाइल वी आर राइटफुली मेकिंग रैपिड strides in development of renewable energy including hydro, would this alone enable us to become the advanced country? क्या हाइड्रो अकेले करेगा? क्वेश्चन है यहाँ पे, तो obviously no. Hypothetically, even if the entire barren uncultivable land in India is used to set up solar plants, which clearly is not possible, it would still fall way short for the target. The potential of wind energy is even smaller. द ओनली वे आउट देन इज अ रैपिड स्केल अप ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम जितने यहाँ पे लैंड्स बचे हुए हैं बैरन लैंड्स, और उसमें अभी हम लोग सोलर के इक्विपमेंट्स लगा दें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्या तब भी हम सफिशेंटली प्रोवाइड करेंगे? तो नहीं, और जबकि वो पूरा पॉसिबल है भी नहीं, और विंड एनर्जी से इतना कोई फायदा होता नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है? वाटर नहीं है, सोलर नहीं है, विंड नहीं है, obviously nuclear energy. For this we need to shed the unfounded phobia around nuclear energy. Today nuclear energy has emerged as one of the cleanest and safest energy capable of effectively countering climate change. Since we pursue a closed nuclear fuel cycle, waste issue is also reduced to a negligible level. Based on a study done by Vivekananda International Foundation with a due analytical backup from IIT Bombay, it appears that the nuclear energy would need to be scaled up to a couple of thousands gigawatt for a optimum solution to reach net zero in a developed India. So, thousands of gigawatt tak isko scale up karna padega.
और ये रिकॉर्ड उसके जो पीछे विवेकानंद है, आपकी ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, बैकिंग उसके पास आईआईटी बॉम्बे का है। तो आईआईटी बॉम्बे के किसी चीज़ को चैलेंज करना भी बेवकूफ़ी है। दिस इज़ अ मेजर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज एंड द कंट्री मस्ट ब्रेस अप टू मीट इट। लकीली आर टेक्नोलॉजी फ्रंट वी आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। वॉट इज मिसिंग इन द डिटर्मिनेशन एंड रिक्विजिट पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। विदाउट न्यूक्लियर एनर्जी प्लेइंग इट्स ड्यू रोल द कंट्री विल नॉट बी एबल टू रीच द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड नेशन। वी नीड टू बी गाइडेड बाय आवर ओन सुई जनरस स्ट्रेटजी एंड नॉट बी ड्रिवन बाय फॉरेन वेंडर्स। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी ही बनानी पड़ेगी। फॉरेन वेंडर्स से हम यहाँ पे उन लोग को देख के कुछ ऐसा सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इट वुड बी वर्थ वाइल टू परस्यू अ सिक्स प्रोंग नेशनल स्ट्रेटजी फॉर अ रैपिड स्केल अप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या है देखते हैं। इंडिजिनस 7000 मेगावाट PHWR, द फर्स्ट यूनिट ऑफ विच इज ऑलरेडी इन कमर्शियल ऑपरेशन, शुड बी द प्राइम वर्क होर्स फॉर द बेस लोड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एडिशन। 15 मोर सच यूनिट्स आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्लीट मोड। वन शुड टेक अप मेनी सच फ्लीट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन लेवरेजिंग मल्टीपल PSUs इन एडिशन टू NPCIL। सेकेंडली बिल्ड इंडिजिनस SMRs एट द लार्ज स्केल ऑफ साइट्स दैट वुड बी वैकेटेड बाय रिटायरिंग कोल प्लांट्स इन द कमिंग डेकेड्स। तो मतलब कोल प्लांट्स को हटा दो, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करो। एज द एक्सपीरियंस विद द लार्ज PWRs has shown, importing these units would make electricity production unaffordable. NTPC, being the owner of the largest number of the coal plant in the country, is a natural partner in this process. More industrial partners could be involved. Thirdly, well-proven 2020 megawatt PHWR units can be offered as a partial owned captive units for the electricity and hydrogen for energy intensive industry such as a metal chemical। तो यहाँ पे और fertilizer, तो कह रहे इसको इस industry में भी use किया जा सकता है। ठीक है। AHWR 300 LEU developed by Bark can also be offered to this role after demonstrating a prototype। तो भाई अगर नहीं हो रहा तो उसको दूसरे companies को, private players को involve करो, simple सी बात। Fourthly, developed a high temperature reactor for direct hydrogen production with our resorting to electrolysis. This would enable cheap green hydrogen production and reduce pressure on the excessive electrification of the energy system in the country, which otherwise appear inevitable. Bhabha Atomic Research Center has the requisite capability. Speed up second and third stage nuclear power program development. Ab dekhiye ye hamare important ho jata hai. To unleash thorough energy potential in accordance with the pre-existing plan for long-term sustainable energy supply. Finally, emerging economy country where one expects maximum net growth in energy consumption should see rapid deployment of new nuclear energy capacity to credibly address the climate change challenges at a global level. तो हम यहाँ भी इसको चैलेंज को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे, कहाँ पे ग्लोबल लेवल पे। Our PHWRs are the globally competitive both in terms of the performance and capital cost and are a good fit for meeting these requirements. Thorium HALEU fuel in PHWR can make these reactors even more attractive in terms of the economics, safety, waste management and proliferation resistance. India should encash this opportunity through piloting a major international cooperation for global efforts to address climate change challenges. Reaching 25,000 to 30,000 TWh per year from where we are today by the year 2017 corresponds to CAGR around 4.8%, while this should clearly be feasible. Leveraging nuclear energy in the significant way is inevitable. A large and growing economy like India can certainly implement this, provided it is driven as a national program guided by a bold policy support that provides a level playing field for nuclear energy or a
ऑन अ पार विथ रिन्यूएबल एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आइडियोलॉजिकली पूरा आर्टिकल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी देखते हैं और क्या हम इसमें कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इम्पोर्टेंट हो जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सेकंड आप देखिए नेट ज़ीरो जो हमें अचीव करना है उसके लिए हमारी न्यूक्लियर एनर्जी हो जाती है, ठीक है। हम वाटर से इसमें जैसे बताया गया है हाइड्रो प्लस विंड प्लस सोलर, क्या ये चीज़ हमारे एनर्जी नीड को कैटर कर पाएगी? तो नहीं। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिया क्या है, आप देखिए कुछ फैक्चुअल डेटा भी हमने इसमें पढ़े हैं, थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, तो थर्ड हाईएस्ट है इंडिया का रैंकिंग है किस फील्ड में, आपका एनर्जी कंजम्पशन में। और ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम थर्ड लार्जेस्ट है, तो अब सोचिए जब सारा का सारा फॉसिल फ्यूल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में ले जाएंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा। और यहाँ पे बीच बीच में सारा हमने देख लिया कैसे सेकेंडली फर्स्टली थर्डली फोर्थली एंड फाइनली, यहाँ पे पूरा रोड मैप इन्होंने बना कर दिया है, हम जैसे जैसे पढ़ते गए हमने सीखा है। तो बस, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है आप मेरे हिसाब से जिसके ऊपर पता होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज वर्क आउट।